साथियों नमस्कार, हेल्पिंग ब्लॉग राजेश कुमार में पुनः आप सबका स्वागत है। मैं राजेश कुमार, हर बार मैं आप लोगों को परोरे का खेत दिखा रहा था, कभी घास दिखा रहा था, कभी कुछ दिखा रहा था। आज हम आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस परोरे के खेत में हम लोग इतना मेहनत किए थे, घास निकालना, सोहना, कोड़ना, पानी भरना वगैरह वगैरह, आज उसमें से हम लोग परोरा तोड़ने जा रहे हैं। हालांकि कई बार टूट चुका है, इस बार भी सोहनी करने के बाद कहीं कहीं छूट गया था। अगर उसको नहीं तोड़ा जाएगा तो वो पक जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कितना निकल जाता है परोरा। तो साथियों यही है हमारा परोरे का खेत। अब इसमें से हम ये देख सकते हैं आप, इसमें गौ दिख रहा है, इसमें सोहनी हुई है। तो घास निकालने के बाद अब इसकी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है। अब ये फैल रहा है अपने रफ्तार से। अब इसमें जो छूटा उटा है उसको तोड़ा जाएगा। अभी भी घास देख रहे हैं, इसमें बहुत तेज़ी से ही निकल रही है, लेकिन सोहना तो बार बार पड़ेगा और ऐसे ही सोहाता रहेगा, टूटता रहेगा, बिकता रहेगा। तो देखते हैं कितना निकलता है। भाई ये मेरा पहला खेत है, देख सकते हैं ये पीछे तक, ये जितना बांस से घेरा हुआ है जाल से, ये है हरा हरा दिख रहा है, इसी में से तोड़ना है। तो देखते हैं, आपको भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले खेत में कितना निकलता है वो भी दिखाऊंगा, तीसरे खेत में कितना निकलता है वो भी दिखाऊंगा, सब मिलाकर कितना निकलता है ये भी दिखाऊंगा। खराब हो गल ना, देखिए साथियों ये है बड़ा बड़ा, इसी को तोड़ना है जो छूट गया है। इधर देखिए ये इतना बड़ा है, अब पकने की कंडीशन में है। ये है, ये नहीं टूटेगा तो पक जाएगा। ये सब, यही सब तोड़ना है। ये इधर दिख रहा है, यही सब निकलेगा साथियों जो छूट गया है। अभी नया परोरा नहीं है, ये घास में जो छिप गया था बस वही टूटेगा। तो साथियों इस खेत में बस इतना ही परोरा निकला है, देख सकते हैं 5-7 किलो होगा, क्योंकि इसमें से तोड़ लिया गया था, जो बचा था बस वही टूटा है। ये है 5-7 किलो होगा, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा है। अगर ये नहीं तोड़ा गया रहता तो अक्की खराब हो जाता है। तो साथियों ये है मेरा दूसरा वाला परोरे का खेत, और इसमें भी टूट ही चुका है, देख रहे हैं इसमें भी घास बहुत दबा के है, और इसमें भी खोज खोज के तोड़ा जाएगा 2-4 किलो जो भी निकल जाए। ये देख सकते हैं बांस से घेरा हुआ है वो गन्ने के खेत तक, ऐसे करके है। तो देखते हैं इसमें भी कितना निकलता है। तो साथियों दूसरा वाला परोरे का खेत भी मेरा टूट गया, और इसमें बस ये निकला है, आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये एक झोला, बस यही सब निकला है। इसमें सब टूट गया था साथियों, जो बचा है बस वही हम लोग तोड़े हैं, एक झोला निकल गया। अब देखते हैं तीसरे वाले खेत में क्या निकलता है। तो साथियों हम लोग आ गए अपने तीसरे वाले खेत में,
और इसमें देखिए अभी सोनी लगी हुई है, उधर सब बनियार सो रहे हैं, ये खेत साफ हो गया है। और इसमें देखिए जो लाल बोड़िया में दिख रहा है वो पहले वाले खेत का परोरा है, ये झोले में जो दिख रहा है ये दूसरे खेत का है। और अभी इसमें हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, देखते हैं वो दोनों भाई बहन तोड़ रहे हैं मेरे, तो उसमें देखते हैं कितना निकलता है। ये तीनों खेत का परोरा निकला है, तोड़ते तोड़ते अंधेरा हो गया। आप देख सकते हैं ये कुल टोटल मिला करके उम्मीद है कि 50 किलो हो जाएगा, अंदाज़ा यही है। बाकी कांटा पे चढ़ने पे जो ओके, ये भरा नहीं है, खाली है, देख सकते हैं इतना ही बस परोरा है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।